जनपद की बांसी तहसील के अंतर्गत गांव बेलबनवा सुभाष नगर के कोटेदार ने कई माह से कोटे का गल्ला न बांटने पर कोटेदार का किया विरोध। तहसील दिवस में जिलाधिकारी को सैकड़ों कार्ड धारकों ने शिकायत की, कई माह से हमको खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। कार्ड धारकों ने खाद्यान्न न मिलने की शिकायत अधिकारियों से कई बार की थी, पर इसका कोई उचित उपाय न देख तहसील दिवस में आधमके। यहां तक कि सभासद प्रतिनिधि ने आरोप लगाया कि कोटेदार अपनी मनमानी और अधिकारियों की सह पर रातों रात खाद्यान्न बेच कर अच्छी खासी रकम वसूल करता था। उनका मोटाई पाना कहते यहाँ का सब पब्लिक हमला करता है, इसलिए हम फिर रकम नहीं बांटते। अजय बताओ जाए कई किलो चावल कई किलो गेहूँ मिला? 15 किलो चावल दिया था, 18 किलो गेहूँ दिया था। अच्छा, कई रुपया आपसे लिया था? 60 रुपये। हर महीना बांटा था? नहीं, कई महीना बांटा? 4 महीना 5 महीना उनकर मर्जी रुपये। राशन आवा था गल्ला बेच देता है, पब्लिक जाके घूम के आता है, फिर उसको बाद में जब उनको गल्ला आधा रहता है तब बांट देता है, जिसको जैसा पाता है उसे देता है। अब सही वितरण नहीं हो रहा था, इसलिए गल्ला वितरण में दिक्कत हो रही थी। कभी महीने में आगे पीछे लेट हो जा रहा था, कभी आज कम दिया जा रहा। सही मानक के अनुसार जो है गल्ला नहीं वितरण हो रहा था, इसी संकट से लेकर माननीय जो है तहसीलदार साहब इस पर एसडीएम साहब को शिकायत किया गया। मतलब कल कोई अधिकारी जाँच के लिए गया था? जी जी। कौन गया था? लेखपाल गए थे और एक अधिकारी, दो लोग गए। बांसी तहसील में बेलबनवा गाँव है, वहाँ पे कोटे में अनियमितता पाई गई है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये मामला संज्ञान में आया हुआ है, इसके लिए रिपोर्ट के लिए जो हमारे नायब तहसीलदार खेसरा हैं उनको दे रखी है। जैसे ही उनकी रिपोर्ट आती है तो इसमें नियमानुसार जो भी कठोर से कठोर। टीवी 100 के लिए कृपा शंकर भट्ट की रिपोर्ट।